हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, अगर आपको भी डिविडेंड इनकम रिसीव होती है तो 1 अप्रैल 2020 से आपको याद दिला दूँ, जो डिविडेंड इनकम है वो टैक्सेबल हो गई टैक्स पेयर के एंड पे, यानी कि रिसीपिएंट के एंड पे। तो जब कंपनी आपको डिविडेंड इनकम पे करेगी मोर देन 5,000 रुपीज़, तो कंपनीज आपका TDS डिडक्ट करेंगी 10%। किस तरीके से आप ये TDS अवॉइड कर सकते हैं कि आपका ये TDS डिडक्ट ना किया जाए अगर आपकी इनकम बिलो टैक्सेबल लिमिट है? क्योंकि ऐसे केसेस में अननेसेसरली आपको ITR फाइल करनी होती है और उसका रिफंड क्लेम करना होगा। तो कैसे हमें ये TDS अवॉइड करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वीडियो में, जुड़े रहना है आपको वीडियो के साथ। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें। टैक्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम डिविडेंड एट द टाइम ऑफ पेमेंट बाय द कंपनीज एंड म्यूचुअल फंड हाउसेस इफ द टोटल इनकम ऑफ डिविडेंड बीइंग पेड टू द इंडिविजुअल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इज मोर देन 5,000 एट द रेट ऑफ 10%। तो टैक्स डिडक्ट किया जाएगा आपकी डिविडेंड इनकम पर। अगर आपकी डिविडेंड इनकम 5,000 से ज़्यादा है तो 10% जो है उस पर TDS डिडक्ट किया जाएगा कंपनीज़ के द्वारा, जिस कंपनी के आपने शेयर्स लिए हुए हैं, या म्यूचुअल फंड हाउस के द्वारा। फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर ऑफ डोमेस्टिक कंपनी एंड और फ्रॉम म्यूचुअल फंड स्कीम इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स एट दी टैक्स रेट एप्लीकेबल टू हिज और हर इनकम। तो 1 अप्रैल 2020 से जो डिविडेंड है उसको टैक्सेबल कर दिया गया है टैक्स पेयर के एंड पे। तो टैक्स पेयर अब जो है टैक्स पे करेगा डिविडेंड इनकम पर, किस रेट से, जो उसकी इनकम पर रेट एप्लीकेबल है, जो इनकम टैक्स स्लैब है, जिस स्लैब में आप फॉल करते हैं उसी रेट से आपका डिविडेंड है उस पर टैक्स लगाया जाएगा। सो दिस ईयर इंडिविजुअल शुड रिमेंबर टू सबमिट फॉर्म 15G और 15H एज एप्लीकेबल टू द पेयर टू अवॉइड TDS इफ दे आर एलिजिबल टू डू सो। तो आपको 15G और 15H फॉर्म सबमिट करना है, डिक्लेरेशन देनी है अपने पेयर को ताकि वो आपका TDS ना डिडक्ट करे। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, इफ दे आर एलिजिबल टू डू सो, यानी कि अगर आपकी इनकम बिलो टैक्सेबल लिमिट है तभी आप 15G या 15H दे सकते हैं। आप रेजिडेंट हैं इंडिया के, आपकी इनकम बिलो टैक्सेबल लिमिट है, सिर्फ इन्हीं केसेस में आप जो है ये फॉर्म्स सबमिट करा सकते हैं अपने पेयर को ताकि वो आपका TDS डिडक्ट ना करे। This is because tax will be deducted from the dividend at the time of payment by the company and mutual fund house if the total amount of dividend paid to the individual during the financial year is more than 5,000. ऐसा क्यों करना है आपको? क्योंकि जब भी कोई कंपनी या म्यूचुअल फंड हाउस आपको डिविडेंड पे करेगी तो वो आपका जो है 10% TDS डिडक्ट करेगी अगर आपकी डिविडेंड इनकम 5,000 से ज़्यादा है, क्योंकि 5,000 की यहाँ पे एग्जम्पशन दी गई है। टैक्स ऑन डिविडेंड विल बी डिडक्टेड एट द रेट ऑफ 10%। रेजिडेंट इंडिविजुअल कैन सबमिट फॉर्म 15G इन केस ऑफ नॉन सीनियर सिटीज़न। अगर आप सीनियर सिटीज़न नहीं हैं तो आपको 15G में ये डिक्लेरेशन देनी है ताकि आपका TDS डिडक्ट ना किया जाए। एंड फॉर्म 15H अगर आप सीनियर सिटीज़न है तो आपको 15H फाइल करके देना होगा फॉर निल डिडक्शन ऑफ TDS फ्रॉम द डिविडेंड इनकम इन केस द टैक्स ऑन इज एस्टिमेटेड टोटल इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर इज निल। तो ये डिक्लेरेशन आपको कब देनी है? अगर आपका जो टैक्स है वो आपकी टोटल इनकम पर, अगर आपकी टैक्स लेबिलिटी निल रहती है, उसी केस में आपको ये 15G या 15H की डिक्लेरेशन देनी होगी। There are certain conditions that first must be satisfied in order to eligible for submitting 15G or 15H to avoid TDS on dividend income. Further rule regarding submission of 15G and 15H are different. क्योंकि 15G और 15H के rules जो है different है। अगर आप senior citizen हैं तो आपको 15H fill करना है, अगर आप नॉन सीनियर सिटीज़न है तो आपको 15G फिल करना है, साथ ही साथ आप रेजिडेंट ऑफ इंडिया होने चाहिए और जो आपका टैक्स है इनकम पर वो निल होना चाहिए, यानी कि टैक्स लायबिलिटी आपकी निल होनी चाहिए। सिर्फ इन्हीं केसेस में आप ये डिक्लेरेशन सबमिट कर सकते हैं। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हो रेलिवेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।